गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, बजट 2024 के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है अब कैश ट्रांजैक्शंस को लेकर के बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है। अब जो यहाँ पर चीजें निकल के आ रही हैं वो ये है कि आप जो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न्स फाइल करते हैं उन इनकम टैक्स रिटर्न्स के बेसिस पर, और आपने जो ये ट्रांजैक्शंस अब गवर्नमेंट ने बता रखी हैं, इन ट्रांजैक्शंस में अगर कैश के अंदर इन्वॉल्वमेंट है तो आपका जो ये कैश ट्रांजैक्शंस है इसे स्क्रूटनाइज किया जाएगा। यहाँ तो आप लोगों को ये मालूम है कि अगर आपने कोई ऐसा स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस किया है जो एक लिमिट के ऊपर है, लेट सपोज 2 लाख रुपए से ऊपर का आपने अगर कैश ट्रांजैक्शन किया है, तो जो भी पर्सन कैश रिसीव करता है वो SFT यानी कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के अंदर वो रिपोर्टिंग चली जाती है 2 लाख रुपए से ऊपर कैश ट्रांजैक्शंस, चाहे वो किसी भी चीज का हो। लेकिन गवर्नमेंट ने अब 7-8 कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई किए हैं जिसमें अभी क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा स्टीप कैश ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व्ड हैं। और दिक्कत की बात यह है कि ये जो ट्रांजैक्शंस हैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हो रहे हैं जिनको रिपोर्टिंग करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो गवर्नमेंट उन चीजों को रिपोर्टिंग एंटिटीज के तहत अभी तक तो नहीं ला पाई है, लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं इन ट्रांजैक्शंस को अलग तरीके से स्क्रूटिनाइज कर रहे हैं, और आपके इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर डिक्लेयर किया गया इनकम जो है उसके साथ कंपेयर करके चेक किया जा रहा है कि आपने जो एक्सपेंडिचर किया है वो आपके इनकम टैक्स रिटर्न के साथ मेल हो रहा है या नहीं। और अगर आपके वहां पर बहुत ज्यादा डिफरेंस है, गैप बहुत ज्यादा नजर आ रहा है, तो आपको नोटिसेस जो है वो भेजे जा रहे हैं। तो आपके इनकम टैक्स रिटर्न्स और आपका जो ये कैश ट्रांजैक्शंस है, अब यहाँ पर कोई स्पेसिफिक लिमिट नहीं है। SFT तो 2 लाख रुपए से कम की बात कर रहा था, लेकिन यहाँ पर जो ट्रांजैक्शंस हैं जिन चीजों की बात करी गई है ये बेहद जरूरी है। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन से ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जिसके लिए गवर्नमेंट जो है अब तैयारी कर रही है कि आपने अगर इन्वॉल्वमेंट दिखलाई है इन ट्रांजैक्शंस में तो आपकी जो ITR है वो ITR आपके इन ट्रांजैक्शंस के साथ मैच हो रही है या नहीं। तो आपने अगर ITR फाइल किया है तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे ताकि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत जो है वो ना आए। यहां पर आप देख पा रहे हैं हाई वैल्यू एक्सपेंसेस को गवर्नमेंट अब स्क्रूटिनाइज करेगी, और उन एक्सपेंसेस को करने के लिए जो आपने सोर्स जमा करा है यानी कि उन एक्सपेंसेस को करने के लिए जो आपने पेमेंट करी है उसका सोर्स क्या है, और उस सोर्स को आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर जस्टिफाइबल तरीके से डिस्क्लोज किया है या नहीं। तो ये सारी चीजें जो हैं अब गवर्नमेंट स्क्रूटनी के थ्रू चीजों को चेक कर रही है। कौन से ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जिसमें रिपोर्टिंग तो नहीं होगी लेकिन कोई लिमिट भी नहीं है इन कैश के ट्रांजैक्शंस के लिए। सबसे पहले और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका एजुकेशन फीस। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सबने ये चीज फेस करी होगी, आपके क्लाइंट ने आपको बताई होगी कि हमारे बेटे को या बेटी को हायर एजुकेशन के लिए बिल्स जो हैं एजुकेशन के बिल्स पेमेंट करने होते हैं। इसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट होता है NRI कोटा का मेडिकल सीट, जिसमें कैश का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहता है। या इंडिया के अंदर भी आप अगर आप ले लें तो मेडिकल सीट्स के अंदर कैश ट्रांजैक्शंस बहुत तरीके से करी जाती है। तो यहां पर उन जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को जो आपने फीस के रूप में कैश का पेमेंट करा है उन फीस को लेकर के आपके ITR के साथ मैच किया जाएगा। इसके बाद अब सर ये पता कैसे लगेगा कि हमने कैश दिया है, तो वो सारा डेटा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के पास तो है ही ना। तो नॉन इंट्रूसिव तरीके से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं इन सारे ट्रांजैक्शंस का डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है आपका मेडिकल बिल्स। जी हाँ फ्रेंड्स, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर कैश में ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा मात्रा में अब किया जा रहा है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके इन ट्रांजैक्शंस का भी जो सोर्स है उसे स्क्रूटिनाइज कर रहे हैं, और आपने जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस दिखला रखे होंगे कैश में अगर करा है तो उसके समकक्ष आपने क्या ITR के अंदर रिपोर्टिंग करी है या नहीं। तो ये दो ट्रांजैक्शंस तो आपको समझ में आ गया, मेडिकल बिल्स हॉस्पिटल्स के अंदर, एजुकेशनल बिल्स फॉर हायर एजुकेशन वगैरह जहां पर अमाउंट ऑफ फीस ज्यादा होती है। उसके बाद बड़े बड़े होटल्स के अंदर आप जाते हैं,
होटेल्स के अंदर आप कैश का पेमेंट कर रहे हैं, इसकी कोई रिपोर्टिंग एज सच नहीं होती है। एसएफटी के अंदर एज सच कोई अलग से रिपोर्टिंग नहीं हो रही है, तो इन ट्रांजैक्शंस को भी गवर्नमेंट अब चेक कर रही है। ब्रांडेड सेल्स, जी हाँ फ्रेंड्स, ब्रांडेड आइटम्स की सेल्स के अंदर अब यहां पर बात आती है कि ब्रांडेड आइटम का सेल्स तो वो 2 लाख रुपए वाली, बिल्कुल उस 2 लाख रुपए वाली लिमिट के अंदर तो है ही है, अगर तो रिपोर्टिंग के जरिए आ जाए, क्योंकि वहां पर जो रिपोर्टिंग की बात है, रिपोर्टिंग के लिए आपको एक स्पेसिफाइड एंटिटी का दर्जा दिया गया है। अगर आप रिपोर्टिंग कर देते हैं एज अ स्पेसिफाइड एंटिटी तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आसान है। अगर रिपोर्टिंग नहीं होती है तो नॉन रिपोर्टेड आइटम्स के ऊपर भी, मान लो 2 लाख रुपए से कम का है, फिर रिपोर्टिंग के रिक्वायरमेंट तो है नहीं। तो यहां पर ऐसे ट्रांजैक्शंस को भी यहां पर स्क्रूटिनाइज किया जाएगा। मान लेते हैं आप 1-1 लाख करके ट्रांजैक्शंस जो है इन्वॉल्व कर रहे हैं अलग अलग स्टोर्स के अंदर, तो ऐसे सारे ट्रांजैक्शंस को अब स्क्रूटिनाइज किया जा रहा है और इसके लिए कोई लिमिट अभी तक फिक्स नहीं करी गई। अगला अगर हम लोग बात करें तो डिजाइनर क्लोथ्स, जी हाँ फ्रेंड्स, आज के समय में फैशन का इतना दौर चल रहा है, तो क्लोथिंग जो डिजाइनर क्लोथिंग्स होती है उसके अंदर जो अमाउंट इन्वॉल्व होता है वो मेजर अमाउंट कैश का होता है, तो उस कैश ट्रांजैक्शंस को लेकर के अब यहां पर स्क्रूटनी करी जाएंगी। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो ट्रांजैक्शंस है, ये जो एक्सपेंसेस हैं, इन एक्सपेंसेस को लेकर के आपका प्रॉपर रिकॉर्डिंग, प्रॉपर सोर्स रिकॉर्डिंग एंड प्रॉपर डिस्क्लोजर इन आईटीआर जो है वो किया गया है। आखिरी जो बताया गया है, बैंक्वेट हॉल्स, जी हाँ फ्रेंड्स, शादी पार्टी के अंदर बैंक्वेट हॉल्स में खर्चा बहुत बड़ा अमाउंट का हो रहा है, बिना किसी अकाउंटिंग के, बिना किसी ट्रांजैक्शन चेन के ये जो बैंक्वेट हॉल्स है वो धड़ल्ले से कैश रिसीव करती हैं। तो इन सारे ट्रांजैक्शन को, ये एक इंडिकेटिव लिस्ट है, इसके अलावे बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शन हैं जो कि लिस्ट के अंदर आ सकते हैं। गवर्नमेंट ने कुछ स्पेसिफिक लिस्ट बताया जहां पर सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट आज के समय में गवर्नमेंट ने फील करी है। तो आपको इन ट्रांजैक्शन से रिलेटेड चीजें बहुत अच्छे से समझ लेनी है। अगर ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन आपके बैंक स्टेटमेंट या आपके क्लाइंट के बैंक स्टेटमेंट में है तो उसके लिए प्रॉपर डिस्क्लोजर इन आईटीआर और उससे रिलेटेड जो आप इनकम टैक्स में इनकम डिक्लेयर कर रहे हैं वो आपका जस्टिफाई होना चाहिए। तो ये चीजें अब बजट 2024 के बाद बहुत ही बड़े लेवल पर और बहुत ही स्पीड तरीके से जो है गवर्नमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो आपके इन ट्रांजैक्शंस को रिपोर्ट कर रहा है। बेसिकली क्या होगा, मान लीजिए आपने इनकम टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर करा है टोटल इनकम 2,50,000 रुपीज, और आपने ड्यूरिंग द ईयर ऐसे ही ट्रांजैक्शंस करे हैं और बहुत बड़े लेवल पर कर लिया है, 10 लाख 12 लाख रुपए, तो या तो आपके पुराने बैलेंस शीट से ये चीज पुराने आईटीआर को देख करके समझ में आए कि हाँ आपकी इतनी कैपिटल है कि आपने ये एक्सपेंडिचर जो करा है वो जेन्युइन है, और अगर आपने वो चीज जस्टिफाई नहीं करी तो यहां पर आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है कि आपने इनकम सप्रेस करी है, या आपने जो एक्सपेंस किया है वो आपके इनकम के साथ मैच नहीं हो रही है, तो आप एक्सप्लेन कीजिए इसका सोर्स क्या है, अनएक्सप्लेन्ड कैश, ये मान लिया जाएगा कि इसके ऊपर आपका टैक्स जो है वो जमा नहीं हुआ, ये अनएक्सप्लेन्ड रहा, और उस पर 78% तक की टैक्स लाइबिलिटी जो है वो गवर्नमेंट ने बता रखी है। तो बेहद खतरनाक है ये ट्रांजैक्शंस और इनकी नॉन रिपोर्टिंग। तो आशा करते हैं आपको ये बात अब अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी लोग ऐसे और इन जैसे ट्रांजैक्शंस के साथ इन्वॉल्व हैं, या मान लो चलो लिमिट की बात भी कर लें तो 2 लाख रुपए से ऊपर तो आपकी रिपोर्टिंग है ही है, तो वहां पर तो आपको ध्यान रखना ही है, उसके साथ साथ इनका भी ध्यान रखना है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं, आशा करते हैं चीजें आपको बिल्कुल क्लियर है, और ऐसे ही प्रैक्टिकल एनालिटिकल वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल जीएसटी प्लेटफॉर्म को फॉलो कर लीजिएगा, ताकि आने वाले समय में जो भी चीजें बदलने जा रही हैं इनकम टैक्स के अंदर, जीएसटी के अंदर, उसका कंप्लीट कवरेज आपको हमारे चैनल पर रेगुलर बेसिस पे देखने को मिलता रहे। जीएसटी का फुल कोर्स अभी तक नहीं ले पाए हैं तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। 180 आवर्स प्लस की क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, जिसके अंदर 1 साल की वैलिडिटी के साथ आप अपनी क्लासेस जो हैं जितनी मर्जी बार लैपटॉप या डेस्कटॉप पर मोबाइल के साथ देख सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।